तो देखो बॉस, अगर आप भी यहाँ पे फायर टीवी को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपके पास कुछ ऐसी एक्सेसरीज और गैजेट्स होने चाहिए जिससे आपके फायर टीवी को यूज़ करने का एक्सपीरियंस यहाँ पे टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी फायर टीवी को ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, जो यहाँ पे पुरानी डब्बा टीवी आती है ना उसके अंदर भी फायर टीवी कनेक्ट हो जाएगी। और सबसे मेन बात कि अपन अपनी फायर टीवी की स्टोरेज को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है यार कि फायर टीवी में सिर्फ 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, तो वो बढ़ भी जाएगी यार। एक एक करके ये सारी एक्सेसरीज और गैजेट्स मैं आपको बताऊंगा, तो एक काम आप भी मेरे लिए कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके। पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो भाई अपने जो यहाँ पे पहली एक्सेसरीज है ना, ये बेसिकली एक रिमोट कवर है। तो देखो यार, फायर टीवी लाइट ना यहाँ पे 2000 रुपये की आती है, और इसका रिमोट अगर आप अलग से खरीदने जाओगे ना, तो ये 1500 रुपये का रिमोट है। यानी कि फायर टीवी से महंगा तो इसका रिमोट है, तो इसकी प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है यार। तो काफ़ी टाइम से इस रिमोट के ऊपर मैंने एक कवर लगा रखा है, और ये कवर ना सही में बहुत सॉलिड है यार। ये जो कवर है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे रबड़ का है, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। इस कवर के बैक साइड में कुछ यहाँ पे टेक्सचर दे रखे, तो हाथ में जो इसकी ग्रिप है ना वो काफ़ी अच्छी रहेगी यार, और ये पिस लेगा नहीं और गिरेगा नहीं, तो ऑब्वियसली टूटेगा भी नहीं। इस रिमोट में इस टाइप के अपने को क्लिप मिलते हैं, तो कहीं पे भी आप इसको लटका सकते हो या कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। तो ये जो रिमोट का कवर है ना भाई, ये तो आप बाय कर ही लेना, और ये कवर 250-300 रुपये का आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। और इस टाइप के जो कवर होते हैं ना, ये फायर टीवी लाइट 3rd जनरेशन 4K और 4K मैक्स के रिमोट में आसानी से फिट हो जाते हैं। तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो भी मॉडल आपके पास होगा फायर टीवी का उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाय कर लेना। तो यार ये तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए। और हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूँ, अपनी जो आखिरी नंबर की एक्सेसरीज है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना है प्लीज। अब अपने यहाँ पे जो दूसरी एक्सेसरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक OTG केबल है जिसके थ्रू आप फायर टीवी की स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। अब अपने को भी पता है यार कि फायर टीवी के अंदर कोई USB पोर्ट तो होता नहीं है, अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसे में OTG केबल का यूज कर सकते हो। इस OTG केबल के थ्रू आप पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो फायर टीवी स्टिक के अंदर। हार्ड डिस्क जो होती है ना एक्सटर्नल, वो भी कनेक्ट हो जाती है, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो USB के थ्रू इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी। एंड सबसे सरप्राइज वाली बात कि इस OTG केबल के थ्रू अपन फायर टीवी की इंटरनल मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। अब यह प्रोसेस पूरी होती कैसे है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके उस वीडियो की। ऑलराइट भाई साहब, अब अपनी जो यहाँ पे तीसरी एक्सेसरीज है ना, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए बहुत यूजफुल है यार। जिनके पास भी यहाँ पे पुरानी डब्बा टीवी है, CTR टीवी है ना, उनके लिए तो ये ना एक तरफा एक्सेसरीज होने वाली है यार। ये बेसिकली अपना HDMI कन्वर्टर है। इस HDMI कन्वर्टर के थ्रू आप फायर टीवी स्टिक को अपनी किसी भी टाइप की टीवी में लगा सकते हो। ये जो HDMI का कन्वर्टर है ना, इसके एक पोर्ट में तो आपको फायर टीवी स्टिक को लगाना है, दूसरे पोर्ट में आपको 3RC केबल को कनेक्ट करना है, और उसी 3RC केबल को आपको अपने टीवी के पीछे कनेक्ट करना है। 3RC केबल में जनरली 3 केबल होती है, येलो, रेड और वाइट, और ये जो तीनों पिन होती है ना, ये आपको सारी टीवी में मिल जाएगी। आगे पीछे ढूंढ लेना यार, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। इसके थ्रू आप अपने पुरानी टीवी, LED, मॉनिटर या किसी भी चीज़ में जिसमें भी 3RC केबल का सपोर्ट है, उसके अंदर फायर टीवी स्टिक को यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो कन्वर्टर है ना, इसको आप बाय कर लेना, और ये 500 रुपये का आपको मिल जाएगा अमेजोन से। इसकी बाय लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार चेक कर लेना। और अगर आप चाहते हो ना कि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे बता देना, फिर मैं वीडियो भी बना दूंगा। अब अपने सबसे मेन एक्सेसरीज का नंबर है, ये बेसिकली रिमोट कंट्रोलर है। अब देखो भाई, अपने को भी पता है कि फायर टीवी का जो यहाँ पर रिमोट आता है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ना तो कोई माउस है, ना ही कीबोर्ड के बटन है, तो इसका ना एक ही सॉल्यूशन है भाई, कि आप इस टाइप के रिमोट का यूज़ कर सकते हो फायर टीवी के अंदर। और भाई पर्सनली मैं भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अपना जो यहाँ पे पहला रिमोट है, इसका नाम है मिनी माउस कीबोर्ड कॉम्बो। ये 500 रुपये का आपको मिल जाएगा अमेजोन से। इसके थ्रू आप फायर टीवी के अंदर माउस को भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसके अंदर अपने को सारे बटन मिल जाएंगे जो कि एक प्रॉपर कीबोर्ड के अंदर आते हैं। तो ब्राउजिंग करना हो, प्रोडक्टिविटी वाला काम करना हो, सर्चिंग करना हो ना, तो उस केस में यार ये वाला रिमोट तो बाय कर ही लेना भाई, ये रिकमेंडेड है। और ये वाला जो रिमोट है ना भाई, ये 700 रुपये का आपको मिलेगा। इसके अंदर अपने को सिर्फ एक ही फीचर मिलता है कि इसके अंदर एयर माउस है। इसका मतलब इस रिमोट को आप जैसे मूव करोगे ना, वैसे ही कर्सर आपकी फायर टीवी के अंदर मूव होगा। तो ये वाला रिमोट भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, ये 700 रुपये का आपको मिलेगा। इन दोनों रिमोट के अंदर से अपने को एक रिसीवर मिलेगा, और इसी रिसीवर को आपको OTG केबल के अंदर लगाना है। तो देख लो यार, OTG केबल अपने कितने काम आ रही है। मतलब ये OTG केबल अपने USB को भी चलवा रही है, इनके रिसीवर को भी कनेक्ट करवा रही है। तो OTG केबल तो भाई खरीद ही लेना यार तुम।
अब देखो भाई अपना जो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का गैजेट है ना, ये एक टाइप का बीटी स्पीकर है। देखो यार ये कोई गैजेट नहीं है, ना ही कोई एक्सेसरीज है, बट ये एक ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको भी पता होगा कि फायर टीवी के अंदर अपने को ब्लूटूथ मिलता है, और ये ब्लूटूथ सिर्फ कंट्रोलर के लिए नहीं होता भाई, इसके थ्रू अपन होम थिएटर को या फिर साउंड बार को कनेक्ट भी कर सकते हैं ब्लूटूथ वाले। क्योंकि भाई जो एक LED होती है ना, उनके अंदर अपने को छोटे छोटे स्पीकर मिलते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी तो ऑब्वियसली अपने को इतनी अच्छी मिलेगी नहीं, तो इस कंडीशन में ना अपन ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब कोई भी मूवी शो को देखता हूँ ना यार, तो ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ करता हूँ, तो साउंड इफेक्ट तो भाई एक नंबर आता है यार। तो अगर आप भी मेरी तरह मूवी शो को देखने के थोड़े ज़्यादा शौकीन हो ना यार, तो ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ कर सकते हो फायर टीवी का। अब देखो यार अपने जो सिक्स्थ नंबर की एक्सेसरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसके थ्रू ही अपन इन सभी डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे फायर टीवी के अंदर। ये बेसिकली USB हब है LAN पोर्ट के साथ। अब देखो भाई आपको फायर टीवी के अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो कि आपको बाद में जाके पता चलेगी, लेकिन आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको उसका सोल्यूशन भी मैं बता ही देता हूँ यार। अगर आप फायर टीवी के अंदर USB को यूज़ करते हो, रिमोट्स के रिसीवर को यूज़ करते हो, इसके अलावा भी आप USB के अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करते हो, तो OTG केबल अपने को सिर्फ एक ही मिलती है। तो आप एक टाइम पे या तो USB को यूज़ कर लो, या फिर रिमोट के रिसीवर को यूज़ कर लो, हार्ड डिस्क को यूज़ कर लो, या दूसरे डिवाइस को यूज़ कर लो, एक टाइम पे एक ही कर पाओगे। लेकिन अपने को अगर एक टाइम पे ज़्यादा डिवाइस को यूज़ करना हो, तो इस केस में ना USB हब अपना बहुत काम आएगा। USB हब के थ्रू अपन यहाँ पे 3 से 4 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक पोर्ट में अपन ने पेन ड्राइव लगा दिया, दूसरे पोर्ट में अपन ने रिमोट का रिसीवर लगा दिया, तीसरे पोर्ट में अपन ने हार्ड डिस्क लगा दी। और इस टाइप के जो यहाँ पे USB हब होते हैं ना, इनके अंदर अपने को LAN पोर्ट भी मिलता है। तो अगर आपको अपनी फायर टीवी को LAN के थ्रू चलाना हो ना, क्योंकि LAN की स्पीड Wi-Fi से ज़्यादा होती है। अब ये जो USB हब होती है ना, ये मार्केट में आपको अलग अलग रेंज में मिल जाएगी, तो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में आप कोई भी USB हब को बाय कर सकते हो। लिंक तो खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई ये वो 6 इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज थी जिसके थ्रू अपन फायर टीवी को ज़्यादा बेटर यूज़ कर पाएंगे। अब मुझे ना आपका एक फीडबैक चाहिए, ये जो 6 एक्सेसरीज मैंने आपको बताई है ना, इनमें से किसके ऊपर आप यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो? आप जो मुझे फीडबैक दोगे ना, उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना के ले आऊँगा। तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक बताना कि आप इन 6 एक्सेसरीज में से किस एक्सेसरीज की वीडियो को यहाँ पे देखना चाहते हो। और हाँ भाई, फायर टीवी के अंदर ना अपने को कुछ ऐसे हिडन फीचर मिलते हैं जो आपको पता भी नहीं होगा, तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि फायर टीवी के अंदर कुछ ऐसे एडवांस फीचर है जिसके बारे में अपने को पता भी नहीं है, तो इस वीडियो को भी देख लेना एक बार, और लाइक भी कर देना चैनल को।